पठानकोट के बस अड्डे पर पिछले 8-10 दिनों से पानी की किल्लत जहां पहुंचने वाले यात्रियों के लिए भारी परेशानी का कारण बनी हुई है। लोगों का कहना है, बस अड्डे पर पूरा दिन यात्रियों की चहल पहल रहती है, इसलिए पानी की कमी होने से बच्चों, बूढ़ों और खासकर महिलाओं को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने पानी की किल्लत दूर करवाए जाने की मांग की है। बस स्टैंड इंटरस्टेट बस स्टैंड है इतने एक बूंद भी जी इतने पानी पीने नहीं मिल रही है। अगर जो टैंक आए भी आया तो उन्होंने मिट्टी वाला पानी है, वह बाथरूम के लगे हुए है। कोई भी बंदा कितने भी जाके कितने भी इतों दस दे बाहर तक पानी है पीने तो दसन कोई गौर करे नहीं करता। मोटर जी वो तो बह गई है, बोर वह थले बह गए ये हो गए अच 7 दिन हो चलिए 7-8 दिन एक बूंद पानी की नहीं मिले करती इतने पीने की। हाहाकार है मची दी है गलबात यह है कि अब 8 दिन हो गया पानी नहीं है बस स्टैंड पीने लिए। हाहाकार मची पई है पानी की। एक टैंकर आता है वो पानी पीने के लायक नहीं है, वो बाथरूम वाले बर्तन के लायक है। जो पानी पीने लिए है कितों पीवेंगे पानी, जरा कोई नलके को आता टूटी रोड के परे हट जाता है। अजय 8 दिन हो गया जरा कि टैंक मोटर खराब हुई थी, खूह बह गया इन्हों का, किसी ने गौर नहीं की, ना कोई गौर कर दिया, ना कोई गांह वास्ते ना पसाव कितों पानी पी पब्लिक जी है। दो तीन बारी हुई है गलबात नहीं है, कहते कि कितों करिए, कहते प्रपोजल बना के भेजी है, कहते प्रपोजल भेजी दी उपरों पास हो गया फिर ही अगर कार्रवाई होगी। Care of Ragi Distributors and Promoters, Ward Number 11, near Novelty Mall, Mamoon Road, Pathankot. Contact us on 954006113.